हाय गाइस, वेलकम टू डिश यूनिक वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? आई होप ठीक से होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बढ़ती उम्र के बावजूद हम यंग कैसे रहें या अपनी एजिंग प्रोसेस को हम स्लो डाउन कैसे करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस, एज क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे कि सभी जानते हैं कि जिसने भी आज जन्म लिया है, कल वो बड़ा होगा, यंग होगा और उसके बाद वो ओल्ड एज में जाएगा। बट हम सभी क्या चाहते हैं कि हम हमेशा यंग रहें, ठीक है? और इसी के लिए लोग जो है वो कई तरह के जतन करते हैं। यंग दिखने के लिए कई तरह के ब्यूटी कॉस्मेटिक्स हैं, जो महंगे महंगे कॉस्मेटिक्स होते हैं उनके ऊपर खर्चा करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, कई तरह की जो है वो कैप्सूल्स हैं, टैबलेट्स हैं, जो इस बात का दावा करती हैं कि इनका सेवन करने से हम अपनी उम्र से कम उम्र के दिख सकते हैं। और इसके अलावा लोग सर्जरी करवाते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं या फिर महंगे महंगे आउटफिट्स पे खर्चा करते हैं, जिन्हें पहनने के बाद हम अपनी उम्र से जो है वो कम दिख सकते हैं। बट गाइज, ये सब जो तरीके हैं, ये सब क्या है? ये आर्टिफिशियल तरीके हैं, ठीक है? या इनके यूज़ करने से हम कुछ समय के लिए अपनी उम्र से कम दिख सकते हैं। हो सकता है आगे चलकर हमारी सेहत के लिए ये सब नुकसानदेह हो, ठीक है? तो हमें कुछ ऐसे नेचुरल तरीके अपनाने हैं अपनी लाइफस्टाइल में, जिनको अपना के हम अपनी उम्र से कम एज के दिख सकते हैं, लेकिन वो सारे तरीके नेचुरल हो, ठीक है? तो वो उन्हीं के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से आदतें हैं, ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिन्हें हम अपनी लाइफस्टाइल में अगर अपनाते हैं तो हम अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, यानी अपनी बढ़ती उम्र के जो साइन हैं वो हमारे शरीर पर ना दिखे, हमारी स्किन पर ना दिखे, ठीक है? तो हम आज इन्हीं टिप्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं ऐसे नेचुरल आदतों के बारे में, नेचुरल हैबिट्स के बारे में, जिन्हें अपनी लाइफस्टाइल में अपनाकर हम अपनी उम्र से कम आयु के दिख सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहला टिप है अच्छी नींद लेना। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाए या बढ़ती उम्र के जो साइंस हैं हमारे शरीर पर ना दिखे या कम दिखे, तो हमें अपनी नींद पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। अच्छी नींद लेने से हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ और इवन हमारी स्किन भी अच्छी रहती है, हेल्दी रहती है, ठीक है? तो अच्छी नींद का मतलब है कि कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद जो है वो ज़रूर लीजिए, क्योंकि पूरे दिन की एक्टिविटीज़ के बाद हमारा शरीर पूरी तरह से थक जाता है और नए दिन की एक्टिविटीज़ करने के लिए हमारे शरीर को नई ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो वो कैसे मिल सकती है? अगर हम अपनी बॉडी को, अपने शरीर को रेस्ट देंगे, ठीक है, अच्छे से नींद लेंगे, तो हमारा शरीर जो है वो अगले दिन की एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो रेडी हो जाता है। गाइस, जैसे हम अपने इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं, लैपटॉप है, मोबाइल है, ठीक है, तो उनको हम क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, ठीक है, ताकि हमें वो दोबारा से अच्छी सर्विस दे। तो उसी तरह से हमारी बॉडी भी जो है वो चार्ज, हमारी बॉडी को भी चार्ज करना ज़रूरी हो जाता है ताकि हम दोबारा से रूटीन के वर्क करें अगले दिन के लिए, ठीक है? तो अच्छी नींद जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होती है और ये हमें यूथफुल बनाए रखती है। कई लोग कहते हैं कि हम कम सोते हैं फिर भी हमारा काम ठीक से हो जाता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर गाइस, हो सकता है कि अभी उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो, लेकिन आगे जैसे जैसे उनकी एज इंक्रीज होगी, हो सकता है कि उन्हें कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़े, हो सकता है उनका शरीर कई तरह की बीमारियों से घिरने लग जाए, ठीक है? तो सो गाइस, अच्छी नींद लेना हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है और हमारी स्किन के लिए भी ज़रूरी है। कम नींद लेने की वजह से ही हमें स्किन से रिलेटेड कई तरह की प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, जैसे कि डार्क सर्कल्स होने लग जाते हैं, फेस पे जो है वो झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, फाइन लाइंस दिखती हैं, रिंकल्स दिखती हैं, तो ये सब कम नींद की वजह से भी होते हैं, ठीक है? तो अगर आप अच्छे से नींद लेंगे तो आपकी स्किन भी जो है वो अच्छी रहेगी, क्योंकि स्किन के जो सेल्स होते हैं, न्यू सेल्स, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो रात के टाइम ही होता है। जरूरी है कि कम से कम 6-7 घंटे यानी अच्छी नींद लें हम, ताकि हमारी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहे, हमारी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहे और हमारी स्किन भी अच्छी रहे। तो जब हमारी स्किन अच्छी रहेगी, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी, तो हम जाहिर है कि हम अपनी उम्र से जो है वो कम एज के दिखेंगे। तो गाइस, यूथफुल रहने के लिए सबसे अच्छा नेचुरल तरीका है कि अच्छी नींद लें, ठीक है? कम से कम 6-7 घंटे की नींद लें और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, ठीक है? अच्छी नींद भी ज़रूरी है और सुबह जल्दी उठेंगे तो वो भी हमारी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं। सो गाइस, सेकेंड टिप है एक्सरसाइज।
अगर चाहते हैं कि हमारे एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाए या बढ़ती उम्र के साइन हमारे शरीर पर ना दिखें, हम हमेशा फिट दिखें, यूथफुल दिखें, तो एक्सरसाइज को भी अपने रूटीन में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। आप डेली जो है वो कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइमिंग को हम शुरू में कम से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे पहले 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे 15 मिनट्स पे लेकर आइए और उसके बाद 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज जो है उसे परमानेंट कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए कि डेली आपको 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने से हमें नई ऊर्जा मिलती है, ठीक है, हमारा शरीर जो है वो ऊर्जा से भरता है नए काम करने के लिए और उसके साथ ही हम फिट रहते हैं हमेशा, है ना। और जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं वैसे वैसे हमारा स्टेमिना बिल्डअप होता है और स्टेमिना की ज़रूरत हमें आने वाली एज में भी रहती है, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती है हमें उतनी ही स्टेमिना की ज़रूरत होती है, तो वो कैसे बिल्डअप होगा, एक्सरसाइज से। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते जाएंगे हमारा स्टेमिना जो है बिल्डअप होता जाएगा और हम अपनी उम्र से भी कम आयु के दिख सकते हैं, ठीक है। गाइस, एक्सरसाइज को बोरिंग मत बनाइए, डेली हम तरह तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी दिन जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं और स्विमिंग करने से भी एक्सरसाइज होती है, डांसिंग से भी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। कोई भी प्ले कर सकते हैं जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, ठीक है, इससे भी हमारी एक्सरसाइज होती है। रस्सी कूद सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं और एक ही जगह पे खड़े होकर आप जॉगिंग कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि 30 मिनट्स अपने शरीर को देने हैं फिट रहने के लिए, आप योगा भी कर सकते हैं। सो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आप यूथफुल बने रहें, ठीक है, अपनी उम्र से कम आयु के दिखें, तो आपको एक्सरसाइज को भी अपने रूटीन में शामिल करना होगा। सो गाइस, 30 है हेल्दी भोजन करना। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा यूथफुल रहें, हमारा एजिंग प्रोसेस जो है वो स्लो होता रहे, तो ज़रूरी है कि हम अपने भोजन पर भी ध्यान दें, ठीक है। हेल्दी भोजन करने से हम हमेशा फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और हमेशा यूथफुल बने रहते हैं। गाइस, ये जो जंक फूड है, फास्ट फूड है या फिर जो मीठी चीज़ें हैं, ठीक है, जो हमें अच्छी तो लगती है पर हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, तो डेली बेसिस पर इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों की हैबिट्स जो है वो नहीं लगानी चाहिए, ठीक है। मंथ में एक या दो बार हम स्नैक्स इंजॉय कर सकते हैं, फास्ट फूड इंजॉय कर सकते हैं, बट इनकी हैबिट्स यानी डेली हम इन चीज़ों को खाएंगे तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान होगा, ठीक है। हमारी एज पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा, हमारी हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, विपरीत प्रभाव पड़ते हैं, बुरे प्रभाव पड़ते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने जो मतलब इन चीज़ों से, जो फास्ट फूड है, ऑयली फूड है और जो मीठी चीज़ें हैं, उसे जितना हो सके परहेज करें। अपने भोजन में हमें ऐसे पौष्टिक आहार को शामिल करना चाहिए जो हमारे शरीर को न्यूट्रिशंस प्रदान करें, तो हमें न्यूट्रिशंस वाले भोजन को ही अपने खाने में शामिल करना चाहिए, जैसे प्रोटीन है, वाइटमिन्स हैं, आयरन है, जिससे हमारा शरीर हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा और हम यूथफुल दिखेंगे। तो प्रोटीन के लिए हम सभी प्रकार की दालें खा सकते हैं, राजमा, ठीक है, राजमा से हमें बहुत प्रोटीन मिलता है और इसी तरह से दूध या दूध से बने जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं, लाइक पनीर है, दही है, तो इन सभी में प्रोटीन मिलता है। और इसके बाद है विटामिंस की बात करें तो वो हमें सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है, जिससे हमें विटामिन सी मिले, ई मिले, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और आयरन के लिए हमारे पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों में जो है वो भरपूर मात्रा में आयरन होता है, तो जो हमारे शरीर में आयरन की कमी को पूरा करते हैं। तो न्यूट्रिशन से भरे हुआ जो अगर हम भोजन करते हैं तो उससे हमारी जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाती है, और जब हेल्दी भोजन करेंगे तो उसका प्रभाव हमारी हेल्थ पर भी दिखता है, फिजिकल हेल्थ पर भी दिखेगा और हमारी स्किन पर भी दिखता है और हम अपनी उम्र से जो है वो कम आयु के दिखते हैं। यूथफुल रहने के लिए अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन करना भी बहुत जरूरी है। सो गाइज, नेक्स्ट टिप है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। तो अगर चाहते हैं कि हमेशा यूथफुल रहें तो पानी पीने की जो हैबिट है उसको भी हमें डेवलप करना होगा। कम से कम दिन में 8 से 10 गिलास पानी जो है वो ज़रूर पीने चाहिए, ठीक है, क्योंकि पानी पीने से हमारे शरीर के अंदर की क्लेंजिंग होती है, हमारे शरीर के अंदर की सफाई होती है और हमारे जो सारे अंग हैं वो सुचारू रूप से कार्य करते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, हमारी स्किन हेल्दी रहती है, हमारा शरीर जो है वो ऊर्जा से भरा रहता है पानी पीने से। तो ज़रूरी है कि 8 से 10 गिलास पानी पीजिए, और अगर आपको लगता है कि 8 से 10 गिलास पानी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके लिए, तो बीच बीच में आप नारियल पानी ले सकते हैं, ठीक है, नींबू पानी पी सकते हैं। वैसे भी नींबू में विटामिन सी होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत हेल्दी होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत लाभकारी होता है, तो
तो आप बीच बीच में नींबू पानी भी ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीने का टारगेट रखिए। शरीर में पानी की कमी नहीं होगी तो हम कई तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे, हमारी स्किन भी हेल्दी रहेगी और हम हमेशा यूथफुल बने रहेंगे। तो हमेशा यूथफुल बने रहने के लिए पानी पीते रहिए। सो गाइज, नेक्स्ट टिप है मेरा कि अपने रूटीन में ग्रीन टी को शामिल करना। तो आप चाहते हैं कि हमेशा यूथफुल बने रहें तो सिंपल चाय की बजाय अपने रूटीन में ग्रीन टी को शामिल कर लीजिए। ठीक है, कई लोग जो है वो सिंपल चाय पीते हैं और वो भी दिन में कई कई बार पीते हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। अगर आप चाहते हैं कि एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन किया जाए या यूथफुल रहें हमेशा, तो ग्रीन टी को अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। ठीक है, सिंपल चाय ले सकते हैं, दिन में एक बार ले लीजिए, लेकिन बाकी टाइम आप ग्रीन टी लीजिए। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट में सिंपल टी ले लीजिए, ठीक है, उसके बाद अगर लंच में लेते हैं तो ग्रीन टी को शामिल कीजिए, इवनिंग में भी ग्रीन टी लीजिए और डिनर के बाद भी आप ग्रीन टी का एक प्याला पी सकते हैं, जो हमारे स्किन के लिए भी हेल्दी है, हमारे फिजिकल हेल्थ के लिए भी अच्छी है। ठीक है, क्योंकि ग्रीन टी हमें हाइड्रेट रखती है, एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरी होती है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत बहुत लाभकारी है। तो यूथफुल रहने के लिए ग्रीन टी को भी पीना स्टार्ट कर। नेक्स्ट टिप है, स्ट्रेस से दूर रहें। यूथफुल रहने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जितना हो सके स्ट्रेस से दूरी बना के रखिए। बट लाइफ है तो लाइफ में स्ट्रेस तो लगा ही रहता है, बट हमें ये हैबिट डालनी चाहिए कि अगर स्ट्रेस आता भी है तो उसे जल्दी से जल्दी रिकवर कीजिए, जल्दी जल्दी स्ट्रेस से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। तो स्ट्रेस आउट हम कई तरीकों से कर सकते हैं, खुद को स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए हम कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन करने से हमें मानसिक सुकून मिलता है, शांति मिलती है। ठीक है, इसके साथ ही कई तरह की हॉबीज़ हैं, जैसे कि पेंटिंग कर सकते हैं, ठीक है, जिनको गार्डनिंग का शौक़ है वो गार्डनिंग कर सकते हैं, और या फिर कई लोगों को कुकिंग करने से जो रिलैक्सेशन मिलता है तो कुकिंग कीजिए। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे सिंगिंग का बहुत शौक़ है, म्यूज़िक सिंगिंग, तो मैं म्यूज़िक सुनती भी हूँ और सिंगिंग करती भी हूँ। ठीक है, जिससे मुझे काफ़ी रिलैक्स मिलता है। जब भी मैं कभी स्ट्रेस में होती हूँ तो स्ट्रेस आउट करने का मेरा सबसे अच्छा तरीका है सिंगिंग करना या म्यूज़िक सुनना। ठीक है, तो बहुत अच्छी थेरेपी है स्ट्रेस आउट होने की। तो आप भी, अगर आपको भी शौक़ है सिंगिंग करने का, तो कई तरह के ऐप्स हैं जिस पर आप सिंगिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से जैसे हम कोई एनजीओ के वर्क कर सकते हैं, तो उससे भी हमें काफ़ी अंदरूनी जो है वो खुशी मिलती है और हम स्ट्रेस आउट होते हैं। और बच्चों के साथ भी प्ले कर सकते हैं, बच्चों के साथ अगर हम टाइम स्पेंड करते हैं तब भी हम तनाव से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ज़िंदगी में स्ट्रेस लगा रहता है, बट स्ट्रेस से जो है वो स्ट्रेस आउट करने के हमें तरीके ढूंढने चाहिए। ज़रूरी है कि अगर हम यूथफुल बने रहना चाहते हैं तो स्ट्रेस अगर ज़िंदगी में आता भी है तो जल्दी से जल्दी उससे बाहर निकलने की कोशिश कीजिए और किसी न किसी हॉबी में खुद को इन्वॉल्व कीजिए, ताकि हम जल्दी जल्दी स्ट्रेस आउट हो सके। नेक्स्ट टिप है, हमेशा पॉजिटिव रहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा यूथफुल बने रहें तो अपने विचारों में भी हमेशा पॉजिटिविटी लाइए। ठीक है, हम कोई ना कोई मोटिवेशनल वीडियो सुनिए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए। ठीक है, जिन लोगों से मिलके या जिन लोगों से बात करने में आपको सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, ठीक है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, उन लोगों के संपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा आइए। और जो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, ठीक है, नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे दूरी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। तो पॉजिटिविटी लाने से भी आपकी जो एज है, ठीक है, वो एज जो है वो यूथफुल बनती है। आपकी जो पॉजिटिविटी है उसकी जो इफेक्ट है आपकी एज पर भी पड़ता है। तो यूथफुल बने रहने के लिए ज़रूरी है कि खुद पे विश्वास रखिए और अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिविटी से भर के रखिए। नेक्स्ट टिप है, हमेशा एक्टिव रहिए, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए। उम्र बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम जिंदा लाश बन जाएं, कुछ करें ही ना। हम ये ना सोचें कि जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं ये तो हमारे किसी काम की नहीं है या हमें सीखने की क्या ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। जो भी कुछ नया आता है उसे सीखना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है, कोई भी टाइम नहीं होता है। भगवान ने सभी को एक जैसा ब्रेन दिया है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको उस ब्रेन में क्या इनपुट्स डाल रहे हैं। तो जैसे अगर हम अच्छे इनपुट्स डालेंगे, अच्छी एक्टिविटीज़ करेंगे, तो उसके आउटपुट्स भी हमें अच्छे मिलेंगे। तो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। जो भी टेक्नोलॉजीज आती हैं, चाहे वो लैपटॉप में आ रही हैं, मोबाइल्स में आ रही हैं, तो उन्हें सीखिए। ठीक है, क्योंकि सीखने से हम हमेशा एक्टिव रहते हैं। ठीक है, हमारा माइंड भी हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रहता है। अगर जैसे कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर बन जाता है, वही हाल हो जाता है। अगर हम खाली बैठे रहेंगे तो जाहिर है कि हम नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। तो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने से, कुछ ना कुछ सीखते रहने से हमेशा एक्टिव रहते हैं। और इसका जो इफेक्ट है हमारे शरीर पर, हमारी एज पर, ठीक
ठीक है, हमारी हेल्थ पर भी पड़ता है, ठीक है। तो जितने ज़्यादा हम पॉजिटिव रहेंगे, जितने ज़्यादा हम एक्टिव रहेंगे, हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, तो हमारा माइंड सेट भी जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाता है और हम हमेशा यूथफुल दिखते हैं। सो गाइज, नेक्स्ट टिप है स्किन केयर। अगर एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करना है तो अपनी स्किन की देखभाल करनी भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो पोल्यूशन से, धूल मिट्टी से और सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी जो त्वचा है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है, ठीक है। हमारी स्किन जो है वो डल दिखने लग जाती है, ठीक है, बेजान दिखने लग जाती है। तो ज़रूरी है कि जब भी आप बाहर से घर आएँ तो अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कीजिए, और वॉश करने के बाद चेहरे को मॉइस्चराइज भी करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो चेहरे पर रिंकल्स दिखने लग जाते हैं, ठीक है, फाइन लाइंस दिखेंगी, ठीक है, चेहरा जो बहुत ज़्यादा रूखा रूखा होगा और जल्दी जो है वो ओल्ड दिखने लग जाता है चेहरा। तो चेहरे को मॉइस्चराइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी मॉइस्चराइज़र आपको सूट करता है आपकी स्किन को, आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं हमेशा कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, उसमें विटामिन सी भी होता है और विटामिन ई भी होता है, जो हमारी त्वचा की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप भी चाहें तो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइज़र, और गुलाब जल भी अपनी अपनी स्किन पर लगा सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। रात को आप एक कॉटन के ऊपर गुलाब जल के कुछ बूंदे डालकर अपनी स्किन पर लगा सकते हैं और जो है वो सुबह अपना फेस जो है वो वॉश कर सकते हैं। तो स्किन की केयर करना भी बहुत ज़रूरी है, और स्किन केयर के लिए आप विटामिन सी और विटामिन ई वाले फ्रूट्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। फ्रूट या वेजिटेबल सैलेड से भी हमारी स्किन जो है वो हेल्दी रहती है, फिट रहती है और हमेशा यंग रहती है। सो गाइस, नेक्स्ट टिप है एडिक्शन से बचे रहिए। यूथफुल बने रहने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो भी एडिक्शंस होती हैं, बुरी लतें होती हैं, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, ये हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, ठीक है। इन हैबिट्स की वजह से ही हम अपनी उम्र से भी पहले बूढ़े होने लग जाते हैं, ठीक है, ओल्ड होने लग जाते हैं। तो ज़रूरी है कि इन सभी आदतों से हम दूर रहें। यूथफुल रहना है तो हमेशा जो है वो अच्छी हैबिट्स को, अच्छे जो हेल्दी चीज़ें हैं उनको अपने रूटीन में शामिल। गाइज, यूथफुल बने रहने के लिए विटामिन सी और विटामिन ई को जितना हो सके अपने रूटीन में शामिल कीजिए। विटामिन सी जैसे कि आप आंवला ले सकते हैं, ठीक है, संतरे, मौसमी, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नींबू में बहुत सारा विटामिन सी पाया जाता है और ई भी होता है, तो जो हमारी सेहत के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम हमेशा यूथफुल बने रहते हैं। तो विटामिन सी और विटामिन ई का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन कीजिए और हमेशा यूथफुल बने रहिए। तो गाइज, बोनस टिप ये भी मैं आपको देना चाहूँगी कि हाइजीन का हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि हाइजीन अगर आप मेंटेन कर रहे हैं, खाने पीने में हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, इवन अपने लाइफस्टाइल में हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आप फिट रहेंगे, और फिट रहेंगे तो आप यूथफुल रहेंगे। आपकी जो एज है उस पर इसका रिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आप अपनी हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं और खुद फिट रह रहे हैं, ठीक है। तो जो भी खाइए वो हेल्दी तरीके से बना भी होना चाहिए, और उन्हें हेल्दी हाथों से ही खाइए, यानी साफ हाथों से खाइए, तो आपके शरीर को उसके लाभ होंगे, आपका शरीर फिट रहेगा, हेल्दी रहेगा और आप हमेशा यूथफुल रहेंगे। सो गाइज, ये थे कुछ हेल्दी और नेचुरल टिप्स जिन्हें आप अपने लाइफस्टाइल में, अपने रूटीन में अपनाकर अपने एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, अपनी उम्र से कम उम्र के दिख सकते हैं, और या बढ़ती उम्र के जो साइन हैं वो आपके शरीर पर जो है वो या तो डिले हो जाएंगे या फिर कम दिखेंगे, अगर आप इस तरह की लाइफस्टाइल को अपने रूटीन में शामिल कर लेते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप आज का जो टॉपिक है या आज की वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी हो, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। Till then, bye-bye, thank you and see you.